और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन का इंतजार नागपुर में खत्म हो गया है और पुणे से नागपुर बोर्ड के स्वास्थ्य विभाग में कोविड वैक्सीन आ गई है। इस चरण में टीका 16 जनवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। अब तक 95,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया है और नागपुर संभाग में 44 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम लागू होगा। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक व सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन को अनुमति दी है। अब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने जा रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन नागपुर के लिए भेज दी गई, जिसके बाद मध्य रात्रि तक वैक्सीन नागपुर पहुंच गई। सबसे पहले वैक्सीन नागपुर स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय में गाड़ियां पहुंची। इसके बाद वैक्सीनेशन के लिए महल में बनाए गए संग्रह केंद्र में रखा गया, जिसके बाद सभी जिलों में इसका वितरण किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी दी नागपुर विभाग के आरोग्य उप संचालक डॉक्टर संजय जायसवाल ने। कार्यालय नागपुर इथे पहाटे 2:45 वाजता डेप्युटी डायरेक्टर इम्युनायझेशन पुणे या ब्युरो कडून सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया याची वैक्सीन पोहोचलेली होती आणि ती वैक्सीन आम्ही प्रत्येक जिल्ह्याला 4:15 वाजेपर्यंत डिस्ट्रीब्यूट करून दिली। आतापर्यंत ही सगळी वैक्सीन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्टमध्ये पोहोचलेली आहे। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जर बघितलं तर भंडाराला 9,500, चंद्रपूरला 20,000, गडचिरोलीला 12,000 डोजेस, गोंदियाला 10,000 डोजेस, नागपूरला 42,000 डोजेस आणि वर्ध्याला 20,500 डोजेस देण्यात आलेले आहेत। ही सगळी वैक्सीन माझ्या डिव्हिजनमध्ये 34 वैक्सीनेशन सेंटरमधून देण्यात येणार आहे। ते वैक्सीनेशन सेंटर भंडाऱ्याला 3 आहेत, चंद्रपूरला 6 आहेत, गडचिरोलीला 4 आहेत, गोंदियाला 3 आहेत, नागपूरला 12 आहेत आणि वर्ध्याला 6 आहेत। हे वैक्सीन आमच्या सगळ्या हेल्थ वर्कर यांना देण्यात येणार आहे। जे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर होते त्यांना देण्यात येणार आहे। प्रत्येक कोविड हॉस्पिटलमध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे, चाहे ते हॉस्पिटल प्रायव्हेट असो की गव्हर्नमेंट असो, तेथील डॉक्टर, सिस्टर, अटेंडंट, स्वीपर या सगळ्यांना देण्यात येणार आहे। माझी आमच्या सगळ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना, डॉक्टरांना, सिस्टरांना, स्वीपरांना विनंती आहे की हे वैक्सीन घेतल्यावरही त्यांनी मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणे आणि हात धुणे हे कटाक्षाने करायलाच पाहिजे, कारण वैक्सीन लावल्याबरोबर दुसऱ्या दिवशी अँटीबॉडी तयार होत नाही। इस दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल ने सभी आरोग्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी व सभी एहतियात बरतने का आह्वान किया। इस संदर्भ में सहायक संचालक डॉक्टर रवि ढकाते ने भी अधिक जानकारी दी। मैं डॉक्टर रविशेखर ढकाते, मैं नागपुर सर्कल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिस तर्फे नियुक्त जी आम की समिति फॉर्म कर अध्यक्ष है आणि आमच्या समितीमध्ये चीफ फार्मसी ऑफिसर मिस्टर लोखंडे साहेब आणि नंतर त्याच्यासोबतच त्यांच्या मदतीला मिस्टर डाकोले साहेब, संदीप वाडी भस्मे साहेब आणि इतर वर्ग आहेत। आम्हाला टोटल 1,14,000 डोजेस प्राप्त झालेले आहेत। त्यापैकी आम्ही भंडाऱ्याला 9,500 डोजेस दिलेले आहेत, चंद्रपूरला 20,000 डोजेस दिलेले आहेत, गडचिरोलीला 12,000 दिलेले आहेत, गोंदियाला 10,000 दिलेले आहेत, नागपूरला 42,000 दिलेले असं ह्याप्रमाणे आम्ही सर्वांना वैक्सीनचं डिस्ट्रीब्यूशन केलेलं आहे आणि आपण आता निरीक्षण सर्व आदरणीय बंधूंनी आता निरीक्षण केल्याप्रमाणे आमचं सिस्टम आपण पाहिलेलं आहे। याच्यामध्ये आम्ही पूर्ण टेम्परेचर मॉनिटरिंग सतत करत आहोत आणि प्रत्येक क्षणोक्षणी आम्ही सावधानता बरतत आहोत। वैक्सीन के नागपुर पहुंचने से सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली। हालांकि आरोग्य कर्मचारियों द्वारा अभी भी कोरोना से जुड़े सभी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।